तो मोरारी बाबू की सत्ता यहाँ पे गैस शुरू होने वाली है, तो आप लोग यहाँ पे अपने अपने मर्जी से वहाँ जाए वहाँ पर लेट सकते हो। मेरी प्रसादी तो अभी एक दिन पहले आए हो, तो फिर यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए बड़ा सकडोल ये वाला है। यहाँ पे मेन स्टेज जहाँ पे मोरारी बाबू अपनी एकदम इतने बड़े बड़े पंखे की गर्मी की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। ये है इस तरह का बड़ा डूम और बाहर से कुछ इस। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ सणोसरा जहाँ पे मोरारी बाबू की सत्ता शुरू होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को एक दिन पहले का वीडियो दिखाया जाए। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो ये वाला सबसे बड़ा डूम है। तो अब चलते हैं इसके अंदर और आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं कैसा डूम है कैसा नहीं है और रहने की सोने की कैसी व्यवस्था है आराम करने की और कैसा है यहाँ का भोजन और भोजनालय। तो सारी चीजें आप लोग को दिखाऊँ तो फटाफट पहले शुरुआत करती है इस डूम से। और ये वाली सत्ता स्टार्ट होने वाली 30 दिसंबर 2023 में और खत्म हो गई 7 जनवरी 2024 में। तो मतलब टोटल 9 दिन है। तो 9 दिन में आप लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। सीधा चलते हैं अंदर और आप लोग को सारी चीजें दिखाते हैं, तो लेट्स गो। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ये है इस तरह का बड़ा डूम और बाहर से कुछ इस तरीके का लग रहा है और चारों तरफ से कुछ ऐसा व्यू दिखता हुआ। अभी तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन है और कल से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला। तो सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर कैसा है। तो फटाफट चलते हैं इसके अंदर। बहुत ही जबरदस्त है, एकदम मस्त सजाया हुआ है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आप लोग को पूरा दिखाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस मेन डूम से जहाँ पे मोरारी बाबू अपनी सत्ता सब लोग को राम मानस कथा सबको सुनाने वाले है। और ये सणोसरा में आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसके अगले दिन शायद स्टार्ट हो जाएगा ये वाला है। यहाँ पे मेन स्टेज जहाँ पे मोरारी बाबू अपनी सत्ता सुनाने वाले है। और गाइस पंखे देखो, एकदम इतने बड़े बड़े पंखे की गर्मी की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है। आप लोग को पूरा मजा आने वाला है, एकदम गर्मी नहीं लगेगी सर्दी के मौसम में। और कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ से पूरा डूम और पंखे, बात मत पूछो इतने बड़े बड़े। और रात में भी आप लोग को ठीक से दिखाई दे, इसलिए यहाँ पर लाइट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाई हुई है। तो ये वाला मैदान, ये वाला डूम अभी खाली है, लेकिन कल ये पूरा भर जाएगा क्योंकि चारों तरफ लोग ही लोग आने वाले हैं। और सामने का स्टेज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और यहाँ पर लाइव होने की तैयारी, सारा सेटअप हो रहा है कैमरे वालों का। और यहाँ पे बड़े बड़े साउंड के बार लगा दिए ताकि आप लोग को एकदम क्लियर आवाज सुनाई दे उनकी, आगे नहीं जाने दे रहे वरना आप लोग को आगे से भी दिखाता मैं। तो कोई बात नहीं, वाला डूम देख लो आप लोग कुछ इस तरीके का है। तो पीछे से आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है डूम। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा और बाहर, तो आप लोग को बाहर की चीजें भी दिखाते हैं। तो ये जो बड़ा वाला डूम है ना, मेन डूम, इसके लेफ्ट साइड में आप लोग वहाँ देख रहे हो ना, वो है भोजनालय। तो अभी चलते हैं भोजनालय की तरफ और आप लोग को भोजनालय भी दिखाते है। और ये सारा ग्राउंड इस तरीके का, अभी यहाँ पे काम चलता हुआ और सामने ही मेला, थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे। पहले चलते है भोजनालय की तरफ। पूरा एरिया आप लोग देख सकते हो जो बड़ा डूम है ना, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ कुछ इस तरीके का इलाका है। और जो ये वाला डूम देख रहे हो ना, ये है भोजनालय। तो अभी वहाँ जाएंगे और चारों तरफ से कुछ इस तरीके का आप लोग को व्यू देखने के लिए मिलेगा। भोजनालय में अंदर जाने से पहले आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे जो खाना बनता है ना वो यहाँ का रसोई घर। और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है और यहाँ पर कितने बड़े बड़े पतीले, तो देख सकते हो ना कितना बड़े बड़े यहाँ पे सब सब्जी वगैरह सारी चीज़ें बनाने के लिए कितने बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पर है। और यहाँ पे सारी मशीनरी, तो यहाँ मशीनरी से फटाफट से काम हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो यह यहाँ का किचन कुछ इस तरीके का है पूरा। तो अब चलते थोड़ी देर बाद प्रसादी लेने के लिए और आप लोग को टाइम दे दूँ। टाइम में अभी 3:30 बज रहे हैं। तो गाइस ये यहाँ का किचन और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। और अभी तो यहाँ पर काम भी चल रहा है, मेरे ख्याल से अच्छा है, लेकिन सारे बर्तन मशीनरी सारे चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अभी भी यहाँ पे रसोई बन रही है, तो देख सकते हो आप लोग। तो अब चलते सीधा प्रसादी लेने के लिए। तो आप पहुँच चुके हैं यहाँ पे भोजनालय में और ये है यहाँ का भोजनालय। और आप लोग देख सकते कुछ इस तरीके के ग्राउंड में और सारी तरफ पंखे ही पंखे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग को गर्मी नहीं होगी और आप लोग को एकदम ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले सकते हो। तो अभी और चलते आगे और यहाँ पर थोड़ा भोजनालय में थोड़ा भोजन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ। पर मैं आ चुका हूँ भोजनालय के अंदर और यह रही प्रसादी। तो अभी एक दिन पहले आए हो तो फिर भी यहाँ पर प्रसादी चालू है। और कुछ इस तरीके का यहाँ भोजनालय जो पूरा आप लोग को ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रसादी ले रहे हैं अभी भी। आज एक दिन पहले भी काफ़ी सारे लोग थे लेकिन मैं लेट आया था इसलिए। लेकिन आप लोग देख सकते पूरा भोजनालय। तो अब लेते हैं पहले प्रसादी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं
दो तीन आइटम और थी और मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये सब ले लिया, तो पहले फटाफट इसको खाते हैं। भोजनालय आप लोग देख रहे हो ना, इस भोजनालय के बाजू में ही आप लोग ये पर्पल वाला डूम दिखेगा ना, तो ये आराम गृह। तो आप लोग थके हुए आए हो गए तो आप लोग इस पर्पल वाले में यहाँ पर जाकर बैठ के आराम कर सकते हो। तो अब मैं आप लोग को अंदर से दिखाता हूँ कैसा ये पर्पल वाला डूम। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, सब लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं और ये आराम करने की जगह कुछ इस तरीके की। बाहर से आओगे तो आप लोग यहाँ पे आराम कर सकते हो। तो देख सकते हो ना गाइस, सब लोग यहाँ पे अपने अपने मर्जी से वहाँ जाए वहाँ पर लेट सकते हो। तो कहीं से भी बाहर से भी आ रहे हो तो यहाँ पर्पल वाले डूम के अंदर आप लोग यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, अपनी मर्जी से सो सकते हो, थके हुए हो गए। और जो आप लोग को वो जो व्हाइट वाली दीवार दिख रही है उसके उस पार लेडीज कंपार्टमेंट है, तो वहाँ पे लेडीज भी आराम कर सकती है। और मेन डूम तो बाइक लेके मैं चल रहा आप लोग को दिखा रहा हूँ। और ये जो है ना वो जो बाहर से लोग सेवा करने आते ना, ये वाला डूम उनके लिए है। तो यहाँ पे खटिया वटिया सब सारी चीज़ें है। और ये डूम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो गाइस ये वाला दूसरा डूम है और यहाँ पे जो मॉरल बल्ब के सब भक्त है ना सेवा करने आते हैं, तो सब लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं और सब लोग सेवा भाई लोगों है, देख सकते हो। फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ मेले के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिला बड़ा सगडोल, ब्रेक डांस और यह छोटी सी होड़की बोलती है इसको, हुड़ी जो बोलो। और बाजू में एक और राइड है और दो तीन ब्रेक डांस है और चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी आप लोग को, तो देख सकते हो। अभी तो यहाँ पे फिट हो रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ, एक दिन पहले आया हूँ, कल आऊँगा तो वापस एक और आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर एक बार इसका ओवरव्यू देख लो मेले का, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का व्यू मेले में। तो यहाँ पर जादूगर भी देखने के लिए मिलेगा, कौन सा कुछ पता नहीं, कुछ इस तरीके का है। तो आप लोग आओ ना तो देख लेना आपकी मर्जी हो तो, लेकिन अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। तो मोरारी बाबू की सत्ता यहाँ पे गाइस शुरू होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो पड़ोसा की कुछ इस तरीके की जगह। और यह रहा है इसका मेन डूम और कुछ इस तरीके का रास्ता आप लोग को आने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो। तो और ये वाला जो डूम है ना उसके सामने ही आप लोग को मेला देखने के लिए मिलेगा, तो इसके एग्जैक्ट सामने ही है मेला। तो फाइनली मैंने आप लोग को सारी चीज़ें दिखाई दी, तो होप करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तो keep supporting, keep loving, टाटा बाय, लव यू गाइस।